शायद आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाते थे तो एक महीने का आपको 1 GB मिलता था और पूरा महीना हम उस 1 GB में गुजारा कर लेते थे। मगर आज के दौर में भाई, आज के वक्त में तो एक दिन का 1 GB मिलता है, बट पूरा दिन खत्म ना हो उसके पहले तो 1 GB इंटरनेट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहले तो 1 महीने तक 1 GB चलता था, बट अब तो 1 दिन भी 1 GB नहीं चलता है। तो भाई इसकी वजह यह है कि आपने और मैंने, मतलब मैंने नहीं बट आपने अपने स्मार्टफोन में कुछ ऐसे सेटिंग ऑन करके रखे हैं जो आपका इंटरनेट खा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सेटिंग बताने वाला हूं जिसे अगर आप ऑफ कर देते हैं तो काफी हद तक आपका इंटरनेट डेटा बच सकता है। और आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो, पर डे आपको 1 GB 1.5 GB इंटरनेट मिलता है और 1 दिन भी खत्म नहीं होता उसके पहले इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है, तो आप इस वीडियो को खत्म होने तक देखेगा आपका इंटरनेट जल्दी खत्म नहीं होगा। वाह क्या शायरी है, चल चूटा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ जो बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो कुछ हद तक आपका इंटरनेट बच सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा सेटिंग है वो है गूगल प्ले स्टोर का। तो पहले तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद राइट साइड पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क को लेकर। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप या फिर गेम इंस्टॉल करें तो आपसे पूछा जाए कि उस ऐप या फिर उस गेम को आप वाईफाई से इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल डेटा से, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके अस मी एवरी टाइम पर क्लिक कर दें और यहां पर डन कर दें। अब होगा ये कि जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप या फिर गेम इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि ऐप या फिर गेम को आप किससे इंस्टॉल करना चाहते हैं, वाईफाई से या फिर मोबाइल डेटा से। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ऑटो अपडेट ऐप्स। तो सिंपल है आप इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक कर दें और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो प्ले वीडियो, तो यहाँ पर भी आप डोंट ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक कर दें। इससे होगा ये कि आपके स्मार्टफोन में जितनी भी ऐप है ना वो अपने आप अपडेट नहीं होगी। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके स्मार्टफोन में बच्चे लोग गेम भी खेलते हैं, तो सिंपल है ढेर सारी गेम भी अगर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल है तो आप इसे ऑफ ही रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है भाई गेम के तो बड़े बड़े अपडेट आते हैं 200 MB 300 MB, तो कहाँ आपका इंटरनेट खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आप इसे ऑफ रखें, और जब भी आपको फेसबुक व्हाट्सएप जैसे ऐप को अपडेट करना है तो आप मैन्युअली सर्च करके भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद की जो ट्रिक है ये है बैकग्राउंड डेटा यूसेज। देखिए आपके स्मार्टफोन में कई सारी ऐसी ऐप होगी जो बैकग्राउंड में आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट यूज करती है। अब कुछ ऐप तो ऐसी होगी जिसे आप महीने में या फिर पूरा दिन में एक बार ओपन करते होंगे, बट फिर भी वो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करती है। तो कैसे आपको पता लगेगा कि वो कौन सी ऐप है जो आपके स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज भी करती है, और अगर वो यूज करती है तो उसे आप कैसे बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है वाईफाई एंड नेटवर्क में, यानी कि अपने मोबाइल के नेटवर्क में, और उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा यूसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलुलर डेटा यूसेज में जाना है। फिलहाल इस मोबाइल के अंदर सिम कार्ड तो है बट मैं यहाँ पर इंटरनेट यूज नहीं करता, मैं ज्यादातर यूज वाईफाई से करता हूँ, इसलिए अभी मैं अगर सेलुलर डेटा यूसेज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर किसी भी ऐप का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से किसी भी ऐप को ओपन ही नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल में यूज ही नहीं कर रहा हूँ इंटरनेट, इसकी वजह से यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ वाईफाई की तो वाईफाई से मैं काफी ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं भी आपको वाईफाई में दिखा देता हूँ। तो सिंपल है वाईफाई में जाने के बाद मुझे जाना है वाईफाई डेटा यूसेज में, आपको मोबाइल डेटा यूसेज में जाना है, ठीक है? और यहाँ पर मैं वाईफाई डेटा यूसेज में जाने के बाद देखूंगा कि कौन सी ऐप ऐसी है जो बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमएक्स प्लेयर की, एमएक्स प्लेयर को मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता हूँ, शायद ही मैंने 8 दिन में एक बार इसे यूज किया होगा या फिर ओपन किया होगा, बट फिर भी 30 MB ये खा चुका है। तो सिंपल है आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे ऑफ कर दें। इससे होगा ये कि ये ऐप बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज भी नहीं करेगी, और साथ साथ में इस ऐप के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन आते थे ना वो भी नहीं आएंगे, ना ही ये ऐप आपको किसी भी तरह का रिमाइंडर देगी। एक तरह से कहें तो ये ऐप साइलेंट हो जाएगी इंटरनेट को लेकर, यह पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगी, बैकग्राउंड में ये आपका इंटरनेट यूज नहीं करेगी। तो सिंपल है यहां पर भी आपका इंटरनेट बचेगा। तीसरी सबसे अहम ट्रिक, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं मेरी वीडियो क्वालिटी पर काफी ज्यादा ध्यान देता हूं और बहुत ही ज्यादा काम करता हूं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है ना वो लो क्वालिटी में भी अगर मेरा वीडियो देखें तब भी उन्हें मेरा वीडियो बिल्कुल साफ और क्लीन दिखाई दे। और इसकी वजह यह है कि अगर मेरा वीडियो बिल्कुल हाई क्वालिटी का होगा, बिल्कुल क्लियर वीडियो होगा,
तो अगर आप 480 पिक्सल पर भी मेरा वीडियो देखेंगे तब भी आपको वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और 480 पर अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो सिंपल है, आपका इंटरनेट भी काफी हद तक बचेगा, आपको फुल HD करने की जरूरत नहीं है। तो अगर अभी भी आप देखें तो आप मेरा वीडियो शायद 480 में देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप फुल HD में वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसे 4K तक लेकर जा सकते हैं, बट आप एक बार ट्राई करके देखो 480 पिक्सल पर मेरा वीडियो देखकर देखो, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं वीडियो क्वालिटी पर इतना ज्यादा इसलिए काम करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरनेट बचे, क्योंकि भाई YouTube तो है ना इंटरनेट को पी जाता है, इतनी जल्दी इंटरनेट को खा जाता है कि पता ही नहीं चलता, 1-2 GB तो ऐसे पूरा हो जाता है। बट अब मैं आपको यहाँ पर YouTube का एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका यहाँ पर इंटरनेट काफी हद तक बच जाएगा। तो पहले तो आप अपनी YouTube ऐप को ओपन करें, ओपन करने के बाद राइट साइड पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डेटा सेविंग के नाम से, यहाँ पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें। इसके बाद एक और ऑप्शन है तो इसके लिए आप बैक करें, बैक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ऑटो प्ले में, तो ऑटो प्ले अगर ऑन है तो आप इसे भी ऑफ कर दें। इसके बाद एक और ऑप्शन है इसके लिए आप बैक करें, बैक करने के बाद आपको जाना है वीडियो क्वालिटी में, और वीडियो क्वालिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेटा सेवर पे टिक कर देना है, और यहाँ पर भी डेटा सेवर पे टिक कर देना है। अब इसे ऑन कर देंगे तो मैं मानता हूँ कि भाई आपका YouTube वीडियो लो क्वालिटी में ही चलेगा, बट अगर सोचिए कि आपके घर में बच्चे हैं और वो आपके स्मार्टफोन में YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आप इसे ऑन कर दें, क्योंकि उनके सारे वीडियो तो लो क्वालिटी में चले। अब आपको तो पता ही होगा कि हाई क्वालिटी कैसे करना है, तो जब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वीडियो मुझे हाई क्वालिटी में देखना है तो आप मैन्युअली हाई क्वालिटी कर दें, बट बाय डिफॉल्ट आप अपने YouTube के वीडियो को लो क्वालिटी में ही रखें क्योंकि यहां पर आपका इंटरनेट काफी हद तक बचने वाला है। चौथी जो ट्रिक है वो है गूगल मैप। भाई गूगल मैप भी है ना इंटरनेट को जूस की तरह पी जाता है, ये भी काफी ज्यादा इंटरनेट यूज करता है। तो अगर आप गूगल मैप का यूज करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा वैसा काम है जहां पर आप गूगल मैप का यूज करते रहते हैं तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑनलाइन गूगल मैप का यूज ना करें, आपको यहाँ पर ऑफलाइन गूगल मैप को डाउनलोड कर लेना है। यानी कि होगा ये कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया के मैप को डाउनलोड कर लेते हैं तो होगा ये कि एक ही बार में इंटरनेट आपका खर्च हो जाएगा, फिर जितनी बार भी चाहो उतनी बार आप उस मैप को ओपन कर सकते हैं ऑफलाइन। तो यहाँ पर ऐसे करके भी आप अपना इंटरनेट बचा सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप घूमने जाने का सोच रहे हैं तो पहले उस एरिया का मैप एक बार में डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप वहां पर जितनी चाहे उतनी बार ऑफलाइन गूगल मैप्स का यूज कर सकते हैं, आपका इंटरनेट खर्च नहीं होगा और वहां पर नेटवर्क का कोई इश्यू भी नहीं आएगा, यानी कि बिना इंटरनेट के भी आप गूगल मैप्स को यूज कर पाएंगे। तो कैसे मैप को डाउनलोड करना है और कैसे ऑफलाइन यूज करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप अपनी गूगल मैप्स ऐप को अपडेट कर लें, अपडेट करने के बाद जैसे आप गूगल मैप्स को ओपन करेंगे राइट साइड पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी, सिंपल आप यहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑफलाइन मैप्स में, यहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट योर ऑन मैप्स पर क्लिक करें और जितना एरिया आप ऑफलाइन में डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मुझे इतना एरिया सिलेक्ट करना है, इतना एरिया डाउनलोड करना है तो बस मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड करने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि इतना एरिया अगर आपने डाउनलोड किया तो 240 MB का होगा, तो सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक करें और वो पूरा का पूरा मैप्स डाउनलोड हो जाएगा। पांचवें नंबर की जो ट्रिक है वो एक तरह से कहें तो भाई जुगाड़ है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारा इंटरनेट बच जाता है, रात के 12 बजे से पहले हमारे पास मतलब 200 MB 500 MB तक इंटरनेट होता है, फिर हम सोचते हैं क्या करें इसे कहाँ खर्च करें, YouTube पर वीडियो देखें, प्ले कर दें कोई गाना वाना। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है YouTube का ही फीचर से वीडियो ऑफलाइन डाउनलोडर, मतलब बस आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, उसके बाद बिना इंटरनेट की भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके पास इंटरनेट बचा ही है तो आप YouTube पर जाकर गाने वगैरह डाउनलोड कर लो, कोई कॉमेडी शो है तो उसे डाउनलोड कर लो, अगर किसी के ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं तो उसे डाउनलोड कर लो, कम से कम अगर आपने वो डाउनलोड किया होगा तो जब आपका इंटरनेट नहीं होगा या फिर जब भी आपको वो गाना सुनना है तो आप बिना इंटरनेट के तो सुन पाओगे। तो एक तरह से आपका बचा हुआ इंटरनेट आप यूट्यूब पर जाकर ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने में यूज करें, तो यहां पर आपका जो इंटरनेट बचा है वो भी यूज हो जाएगा और उसके बाद जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब भी आपका इंटरनेट बचेगा। तो आम के आम गुटलियों के दाम, दोनों वाला काम हो गया, मतलब ये वाली मस्त जुगाड़ है, मतलब मस्त वाली ट्रिक है, तो इसे जरूर से ट्राई करना। छठे नंबर की जो ट्रिक है समय समाप्त की घोषणा, मतलब टाइम खत्म हो गया भाई, मतलब बस पांच ही ट्रिक बतानी थी, छठी नहीं बता सकता, टाइम ही अप हो गया। तो यहां पर हम वीडियो खत्म करेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों को जो हमेशा ककलते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं कि भाई हमारा इंटरनेट खत्म हो गया, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, उसे वीडियो शेयर कर देना, चेप देना उन्हें वीडियो। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए ऐप्स के बारे में, नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने 2 बार बोल दिया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।